अरे भाई तो अखिलेश क्या हो गया, छीन लेंगे तुमसे। अखिलेश कौन देता है भाई 12 पास नौकरी? अरे तो योग्यता दोनों भाई, तुम दो तो वैकेंसी निकालो, तुम तुम्हारे बिना तो वैकेंसी निकालो। वैकेंसी कह रहा तू यार, भाई यहाँ पर कौन जीतने वाला जो भाजपा क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है मोदी के टक्कर में, हटाए गया हमारे तब पता चलेगा कौन टक्कर में कौन गाजीपुर में भाजपा आ रहा चाहे जी तो, लेकिन पूरा प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य पाजी लगाओ जा वायर से कहा मोदी जनता की धूल लाखोगे बाजी लगेगी। मोदी जी का 400 तो कितना सीट आएगा तो आप लोग देख सकते हैं, एक गाजीपुर है और देखिए भैया बोलिए क्या बात आप भी देख ले, पहले बात बताइए उसके बाद हम सपोर्ट। बात बता रहे हैं, साफ साफ बात बता रहे हैं, सुनिए और साफ साफ बताना पड़ेगा। जैसे ही आप आए हैं आपको समझ लिए जय के लिए युवा नेता है, युवा नेता है, युवा नेता है नंबर 2 पर आए थे शाहजानंद में हम। अब युवा नेता है हाँ, नंबर नहीं रहा शाहजानंद में 2 नंबर पर आए थे। अच्छा शाहजानंद से लड़े थे तो 2 नंबर पे आए थे, एक लड़की बस वोट नहीं थी बस हार गए और वही मुझको धोखा दी। आप उसको धोखा दिए होंगे? नहीं वो मुझको दे दी ना, तो हम भी एक ना एक सार गए बात खत्म करिए और बोलिए और उसके आपके लिए आगे सेवा। भैया शांति शांति सभी लोग सुनिए, और भैया धोखा खाए हैं 2 नंबर से, दिल जख्मी है तो उस महिला के लिए क्या कहेंगे? और वही महिला के लिए कहेंगे जो लड़की धोखा देती है वो IAS तक जाता है वो लड़का। और आप कहाँ तक जाने वाले, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? अभी आप युवा नेता है, अभी मैं 100% चार्ज होके आया, अभी मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में और आपको हम सुबह बताएंगे काल पर। और बोलिए और क्या आपको लिए कहना चाहते हैं? यही बोलना है, इसका मतलब ये है आप लोग इस बार किसको वोट देंगे? बीजेपी के प्रत्याशी से भी पूछिए वोट, अभी मैं डिसीजन लेके बताता हूँ मैं। उस लड़की बताएगी तो बताएगी, उस लड़की बताएगी तो इधर लाइट दिखाइए, मुद्दा बताइए जो बात है। काहे कि दोनों 50-50% उधर भी है, 50% इधर भी है, अब कोई भी इसमें कोई कहा नहीं जा सकता है कि किसको कोई वोट देगा। जो अच्छा काम करेगा, अभी वहाँ पर गया था कम अच्छा धाम तो वहाँ के है वो, अब हमको पता नहीं है किसी का। युवा नेता है भैया, युवा नेता है तो सब जानते हो, हम लोग इतना हमको काम नहीं, देखिए सब समाज है मेरा, इन लोग के लिए इतना काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं कि कौन कहाँ का है। आल गए पूरा शरीर भी नहीं, शरीर मैं पूरा गवा दूंगा, पूरा जनता के लिए पूरा गवा दूंगा, गला देंगे पूरा गला देंगे। लड़की के लिए कभी नहीं गलाऊंगा, लेकिन लड़कों के लिए पूरा जान दे दूंगा। लड़की वोट नहीं दी इसीलिए कहा, हाँ महिला मैं बार बार कह चाहता हूँ कि लड़की को मत पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ, वो आगे बढ़ेगा। लड़की पढ़ के लड़के लोग को धोखा दे रही है, 4 गो को धोखा दे रही है, अभी सभी बतियाते हैं सभी। और चलिए ठीक है, धोखा दे रही है तो मतलब लड़की को नहीं देंगे हम लोग, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, लड़की लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन जो आगे जो जाना चाहती है वो उसको हम लोग पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे तभी ना आगे जाएगी, 100 में से 99% लड़की फरार होती है, फरार हो जाती है, फरार हो जाती है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा भैया, देखिए और इसी बात में थोड़ा तालियां हो जाए भैया। भैया सुन लीजिए, अरे भैया ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, नमो आपका कहा है? मेरा नाम राहुल यादव उर्फ में सौरभ, नहीं डान नहीं, अब सुधरने का टाइम है बच्चों, तुम लोग सुधर जाना तेरे राज हो। अब प्यार और नहीं करेंगे, प्यार अब उसी से करेंगे, वतन से करेंगे, देश से करेंगे। अब मेरा लड़का हो गया है,
लीजिए एक मिनट, एक मिनट, आई मीडिया अपना ना दिखाएगा जिससे मेरा देख दिक्कत हो जाएगा। जो लड़का जो धोखा देते है हम लोग बता दे रहे हैं कि वहाँ पर बहुत आगे जाएगा, वो लड़का बहुत आगे जाएगा। वो लड़का है हमारे यहाँ, मतलब हमारा दोस्त है, बहुत आगे गया है। हाँ, लेकिन सरकार को आप जो बात कर रहे हैं 50% उधर भी 50% उधर भी। हम जान रहे हैं आप बीजेपी को वोट देंगे, इसलिए समाजवादियों से डर रहे हैं। डरने का बात नहीं, हम देंगे भाजपा को, देंगे मोदी जी को। मोदी जी को सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है? बोलो बोलो, सब कुछ अच्छा लगता है। मोदी मोदी अचन को बोले बोलने दीजिए। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, उसका अच्छा लगा। और अब बनारस में महादेव जी आने वाले हैं, आने वाले हैं। है नहीं क्या वहाँ है? लेकिन आने वाले हैं भाई। ये कौन मथुरा में कृष्ण जी आ रहे हैं, देख लीजिए हम कितने बढ़िया से मना रहे हैं। अरे भाई आप बोलिए, मथुरा में हाँ पहले नहीं थे मोदी जी? पहले नहीं थे, पहले थे भाई, पहले नहीं थे। अब उनको फोन किया गया, आइए आइए, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आएंगे। पहले तो आएंगे भाई, पहले तो थे आएंगे। अरे ऐसे भी ना बोलो, रोजगार की बात, रोजगार। सुनिए सुनिए, इसको राम मंदिर चलना होगा, राम मंदिर आपने कभी भी देखा हो? चंडा घोटाला, आपने मंदिर चंडा घोटाला, ये क्या गया? आपने कभी भी देखा होगा? आप हम गाजीपुर में यही लोगों का संस्कार है, देखिए करो शांति से अपनी बात को रखिए। और देखिए हम कह रहे हैं, आप लोग की बात सुन लिया गया। अगर कोई तीसरा बोल रहा है तो आप लोग बीच में क्यों टपक रहे हैं भैया? गया सुन लीजिए ना, इनका भी तो भाई कोई बात सुनेगा? सुनिए, हमसे एक दो तीन सवाल आपसे पूछेंगे, बाकी बंद कर देंगे, क्योंकि आप भी बहुत दिल के साफ दिख रहे हैं। मोदी जी कितना साफ है? बहुत साफ है, बहुत साफ। अरे उम्र होने का बन जाता है, सब बोलेंगे रोजगार नहीं दे रहे हैं। अरे भाई पढ़ो तब ना रोजगार आएगा, काली रोजगार आ रहे भाई, काली रोजगार आ रहे भाई। अरे भाई तो अखिलेश अरे क्या हो गया? तो छिल लेंगे तुमसे। अखिलेश में का योग्यता नौकरी कौन देता है भाई? 12 पास नौकरी पढ़ के लो, छिल लेंगे। अरे तो योग्यता दोनों भाई, तुम दो तो वैकेंसी निकालो, तुम तुम्हारे बगल तो वैकेंसी निकालो। वैकेंसी कह रहा तू यार, भाई कुछ गया, इनका भी डर था, आरो यारो पेपर लीक हुआ। लेकिन हम कहे भैया 2 मिनट सुन, शांत हो जाइए, तभी तो इनका समझेंगे इनको क्या क्या कुछ इनकी भी विचार है। क्यों मोदी जी को वोट दे रहे हैं? क्यों मोदी जी से इनको इतना प्यार है? क्यों मोदी जी को इतना चाह रहे हैं? हम मोदी जी दिल बाहर, मोदी जी प्यार है भाई, मोदी जी को लाएंगे अपने। हाँ, प्यार उनको हाँ, भाई बिया तो देखल जी, लेकिन अबे ना एक बार आप हाँ, तो शादी के लिए छोड़ दिए थे उस शादी का? नहीं हम नहीं छोड़ेंगे भाई, हम नहीं छोड़ेंगे ना। प्यार कर दो, प्यार कर दो, मत दम तक नहीं तो मत करो। मोदी जी प्यार मरते दम तक? हाँ भाई, जब तक मोदी उठेगा तब तक उसको देंगे हम। अरे जैसे भाई। जैसे ये लोग अखिलेश भैया को देंगे तो मोदी जी को देंगे। क्या नाम है? संतू मिश्रा। हाँ अच्छा, मोदी जी के सबसे पसंदीदा काम बता दीजिए। बस वही जो अभी वही जो आप लोग देख रहे हैं, अभी जो अभी आप लोग देख रहे हैं राम मंदिर, बहुत अच्छा है। और सबसे बुरा काम बता दीजिए मोदी जी को। कोई है ही नहीं बुरा काम, सब अच्छा है। मोदी जी नहीं, सब अच्छा काम है, सब अच्छा काम कर, सब सब अच्छा काम। अभी अखिलेश भाई बुरा नहीं है भाई, अखिलेश भाई बुरा नहीं है, अखिलेश को मान रहे हम नहीं मानेंगे भाई। तुम कहीं मोदी को मान रहे हो? तुम कहीं मोदी को मान रहे हो? मंदिर की वजह से? मंदिर की वजह से? नहीं भाई, बोले अभी, बोले अभी, बोले मंदिर की वजह से, मंदिर की वजह से बोले कि नहीं? अभी अच्छा काम है राम जी, मंदिर को तो नहीं मानते। जो भू माफिया है, जो गुंडे है, उन लोग को एनकाउंटर हो रहा है, मिट्टी में मिल रहे हैं, अगले चौराहे पे हेमराज मिल रहे हैं, ऐसे वाले भाषण देने वाले
क्या कहेंगे? जेल में डाल दीजिए जो ऐसे भाषण दे रहा है। अभी हम बताए हम काहे ले बताएं भाई, भाई लाइव है, काहे का बताएं, हम काहे का बताएं, नहीं बताएंगे, जान देने के तैयार उसके बारे में जानकारी भी लो। अब अरे लोग अंधभक्त बोलते हैं, लास्ट में जाते जाते आप ही लोगों से बात करेंगे उसके कारण। वो कहे हैं मोदी जी को हर काम अच्छा है, तो अंधभक्तों की पहचान है। सुनिए सर, अंधभक्तों की पहचान है, उसने अखिलेशों का किया। चाचा सुबह भैया, चाचा जी आइए, चाचा जी आप गाजीपुर खड़े हैं? हाँ, गाजीपुर इसी मोहल्ले के मैं भी निवासी हूँ। तो गाजीपुर में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? क्या कहने का मतलब क्या है कि कहे लिए जो है की फौजियों का अग्निवीर 4 साल का कदम हो मोदी जी। हाँ मोदी जी, दर्द भाई बतिया दर्द भा। मोदी जी बात के सुनत हुई है आपके, तो आपके दर्द के सुनिए तो हो सकल 4 से 8 कही ना काहे रहे जोन बा 17 बरिस से जोन बा 28 बरिस 30 बरिस ले तो 17 बरिस 4 साल काहे के कैल। हमके तो लगत है कि जोन बा कि अखिलेश जी को आत्म हो सकला पुलिस को नौकरियों 4 साल का कह दी हूँ। अखिलेश जी कल भाषण दिए है, है जो पुलिस वाले दिख रहे हैं इन लोगों को भी नौकरी 3 साल कर दी। हाँ अखिलेश जो कहे बातियाँ सही हो जाती है का? अखिलेश की बतिया हम नहीं कर रहे हैं ना, तो अग्निवीर के नौकरी 4 साल के लिए क्यों किए मोदी जी? अमित शाह क्यों किए? राजनाथ सिंह क्यों किए? अखिलेश जी जिससे जिससे मिलते हैं, अखिलेश जी से जो जो मिलता है वो जेल चला जाता। जैसे जैसे सुनिए, सुनिए केजरीवाल मिले वो भी जेल चले गए, धनंजय सिंह मिले वो भी जेल चले गए। अखिलेश क्यों ना भेज दे रहे हैं? जो घोटाला करेगा वो जेल में जाएगा। वो बहुत सारे लोग करे अखिलेश यूपी। मैं भ्रष्टाचारियों की बात नहीं करता हूँ। अगर भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली में, भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो संजय सिंह की जमानत कैसे हुई? बेल पे है, फिर जा सकते हैं। जा सकते हैं, बेल सबकी होगी, बेल सबकी होगी, सब बाहर आएगा, नीति बनेगी, दिल्ली के केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। भैया थोड़ा सा इधर आइए। 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बनेगा अरविंद केजरीवाल। ये जो सरकार चल रही है मौजूदा मोदी जी के सबका साथ, कैसी सरकार? हम मोदी और नहीं की, हम सपाई बनी, उहारे चाहे जीते हमके वोट दे बस सपा के बस। भैया अब हम उल्टा ना कह, हम कुल जानता नहीं, कुल जानता है लेकिन हमको सपा कोट देना है बस 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 छांगुरिया दो। कुछ नहीं कह दीजिए, हम बेबी को बेच पसंद, मुझे योगी पसंद है, हम तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ कुछ भी कह सकते हैं। अरे भाई मनो सुनो तो काम कर, जितवाए ना पहले से पावर के का करो यार, कहा ना जीतेगा ना जब मनोज सिन्हा आ रहे हैं तब से क्या गंगा जी पर मुआ थोड़ा कुछ बताओ। देखिए भैया विचारधारा की लड़ाई है, आपस में मत लड़िएगा, फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। और मैं गाजीपुर में हूँ और देख सकते हैं लास्ट में जाते जाते आप लोग बताइए यहाँ पर कौन जीतने वाला है। जो देखिए चक्कर में कोई नहीं है मोदी के टक्कर में, बोले कोई मोदी के टक्कर में कोई नहीं है भाई, मोदी कम कोई नहीं है। आप ये भी बोले, आप ये भी बोले राज्य में नहीं है भाई, ये मत सोचना कि रोजगार की बात है। हटा के वायलर से लड़े ईवीएम, हटा के वायलर से लड़े मोदी जी, हटा ईवीएम हमारे पास है, तब पता चलेगा कौन टक्कर में कौन नहीं है। चुनाव ईवीएम हटा गाजीपुर में भाजपा आरो चाहे जीतो, लेकिन पूरा प्रधानमंत्री मोदी है ना, जो पांच लगा हो जाए बाजी वायलर से कहा मोदी जनता की धूल लगोगे बाजी लगेगी। मोदी जी कहा 400 तो कितना सीट आएगा पूरा भारत में? पूरा भारत तक आ जाए। अच्छा कितना सीट है भाजपा जी? गाजीपुर से नहीं जा पाएंगे, गाजीपुर से हार जाए। लेकिन देखो जिंदा गुंडों का राज है, हट जाएगा, एक ना एक दिन हटेगा। गुंडा जब गुंडे
हरा भरेगा फट जाएगा, फट जाएगा। योगी जी पे कितना केस है? अब ग्यारह अधिकारी तो गुंडा है, मान अखिलेश यादव गुंडा है, योगी जी पे कितना केस है? जो डिप्टी सीएम है मौर्या जी, उनके ऊपर कितना केस है? अभी अभी इलाहाबाद में उनका बेटा जमीन हड़प रहा था किसानों का, बताइए उसके ऊपर कहा नहीं बुलडोजर चला? कौन कौन गुंडा है बताओ? जो गुंडा उसको बुलडोजर चला है, बात खत्म। जो गुंडा चला है, जो बुलडोजर वो गुंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर के लोग थे और अपनी बात को रखे हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? और गाजीपुर में माहौल चीजें मैं जानने की टटोलने की कोशिश किया हूँ। फिलहाल इंडिया न्यूज देख रहे हैं। जय हिंद जय भारत।